सो फ्रेंड्स, आप लोग जैसा देख सकते हो मेरे सामने जो ये कंटेनर है, और ये कैरियर का प्राइम लाइन कंटेनर है, और ये एक रीफर कंटेनर है। इसके अंदर जो कार्गो होता है वो कुछ भी हो सकता है, इवन मेडिसिन हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, फ्लेश हो सकता है, चिकन हो सकता है, बीफ हो सकता है, या पोटैटो हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है जिसको कि एक सर्टन टेम्परेचर में हम लोगों को मेंटेन रखना रहता है। वैसा कार्गो जिसको कि हम लोग एक सर्टन टेम्परेचर में मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो वो सब कार्गो इसके अंदर होता है। ये एक रीफर कंटेनर है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीफर कंटेनर के बारे। तो जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे रीफर कंटेनर है, ये सारे रीफर कंटेनर है यहाँ पे लोडेड है। और देख पा रहे हो कि मैं अभी यहाँ राउंड में आया हूँ इवनिंग के टाइम में, और ये चेकिंग कर रहा हूँ कि रीफर सब सही है कि नहीं, क्योंकि रीफर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्गो कंटेनर होता है जिसको कि हम लोग केयर करना रहता है, और इलेक्ट्रिकल ऑफिसर एंड चीफ इंजीनियर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो इवनिंग राउंड के लिए मैं आया हूँ, तो सोचा कि आप लोगों को रीफर के बारे में कुछ बता दूँ। तो जनरली रीफर जो लोड होते हैं वो आपके डेक पे लोड होता है, और अंडर डेक कार्गो होल्ड्स में लोड होता है। तो अभी मैं पहले यहाँ पे डेक के राउंड के लिए आया था। तो डेक में देखो इस तरह से लोडिंग होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा देखो मेन डेक हो गया जो आप देख रहे हो, ये मेरा मेन डेक है इधर और इधर। और ये मेन डेक का जो ये क्रॉस डेक्स होते हैं इसमें ये लोडिंग होता है। और कार्गो होल्ड में मैं जब जाऊंगा तो वहाँ दिखाऊंगा कि कार्गो होल्ड में किस तरह लोडिंग होता है रिफर्स। और ये सारे पावर सप्लाई अभी अंदर से आ रहे हैं, ये देखो। तो ये सारे रीफर कंटेनर है, और ये ग्रीन सिंबल इंडिकेट कर रहा है कि ये रीफर अभी वर्किंग कंडीशन में है। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि रीफर कैसे काम करता है और रीफर एक्चुअली क्या है। तो मैं अभी बस जस्ट फेमिलियर करा रहा हूँ कि रीफर कहाँ पे लोडेड है। अभी मेरा ये क्रॉस डेक में, ऑन डेक का क्रॉस डेक में रीफर लोडेड है। यहाँ पे देख सकते हो एक साथ इतने सारे रीफर लोडेड है। ये मॉर्निंग एंड इवनिंग इसका राउंड लेना जरूरी है, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वी हैव टू ट्रबल शूट द प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉस्टली रीफर कंटेनर। अप्रॉक्स कॉस्टिंग नियर अबाउट 2 crore, 3 crore, वॉट एवर द प्राइस इज, सो वी हैव टू ट्रबल शूट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज दिस रीफर कंटेनर इज मेंटेनिंग द टेम्परेचर, एंड इफ सम प्रॉब्लम इज देयर ना, देन बिग इश्यू, बिकॉज दिस रीफर कंटेनर आर अनेबल टू मेंटेन द टेम्परेचर, सो वी हैव टू ट्रबल शूट द प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। सो अभी जैसे यहाँ पे देख रहे हो 15 डिग्री और 16 डिग्री इक्वल रेंज में है, और वो इन रेंज का ग्रीन वाला सिंबल भी नोटेड है। तो इसके बारे में आपको सब बताऊंगा। तो अभी ये मैं ऑन डेक का दिखा रहा हूँ कि लोडिंग किस तरह से होते हैं रिफर कंटेनर्स। ये देखो ऑन डेक का लोडिंग है यहाँ पे सारा, और मेरे को इस तरह करके सारे राउंड लेने हैं। यहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण से मैं आपको अभी उतना अच्छे से वॉइस नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा नॉइस प्रॉब्लम होगा तो इग्नोर करना। अंडर डेक में जब जाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि वहाँ किस तरह लोडिंग होता है। तो ये ऑन डेक का है सारा। यू सी वी आर इन द ऑन डेक, और मैं अभी ऑन डेक में हूँ, और धीरे धीरे सारे बे में जा रहा हूँ, और एक एक बे का क्रॉस डेक में जहाँ जहाँ रिफर लोडेड है मैं वो सब चेक करूँगा। देखो जैसे ये मेरा बे नंबर 35 है, इसको बे नंबर 35 बोलेंगे। इस तरह सारा नंबर इसमें एक एक करके स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो एक एक करके यहाँ पे सारा नंबर के हिसाब से बे वाइज यहाँ पे मेरा ऑन डेक है। तो ये देखो जैसे मेरा 32 ये हो गया, 33 ये हो गया। तो जैसे 32 नंबर बे अगर कोई बोलेगा तो ये 32 हो गया। ये 32 का फॉरवर्ड अगर मैं बात करूं तो वो 30 हो गया, और 32 का आफ्ट का बात करूंगा तो 34 हो गया। जनरली अगर हम लोग बे नंबर 32 बोलते हैं तो इसका मतलब कि बे का 32 का आफ्ट में भी रिफर लोडिंग हो सकता है फेसिंग, और फॉरवर्ड में भी हो सकता है। जनरली आफ्ट का फेसिंग हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर वेदर ख़राब हुआ, जैसे अभी देख रहे हो वेदर ख़राब है, तो बारिश वारिश के टाइम में क्या होता है ना कि रिफर कंटेनर का अगर फेसिंग फॉरवर्ड रहता है तो उसमें रेन जाने का ज़्यादा चांसेस होता है शॉर्ट सर्किट होने का। इस कारण हम लोग आफ्ट फेसिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बे नंबर 32 है, तो इसका ये आफ्ट फेसिंग हुआ मेरा 34। ये देखो 32 का ये आफ्ट बोलेंगे हम इसको, ये 34, और ये 34 का आफ्ट 36, इस तरह से होता है। तो ये देखो क्रॉस डेक्स हो गया,
ये हमारा क्रॉस डेक हो गया। क्रॉस डेक में रीफर लोडेड होता है, इस तरह हम बे वाइज यहाँ से जाते हैं और फॉरवर्ड टू आफ्ट सारे में कहीं भी लोडिंग हो सकता है। और इसके डाउन में कार्गो होल्ड्स आता है, तो कार्गो होल्ड्स जब मैं आपको जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। यहाँ से अगर आप देख सकते हो ये कार्गो होल्ड का नंबर दिखाया हुआ है, 5F, 4F, 5A, 5F, 4F मतलब फॉरवर्ड, A मतलब आफ्ट। तो ये सब आपका कार्गो होल्ड्स का यहाँ पे नोटिस है। इसके मतलब इसके डाउन साइड में मेरा 5 नंबर कार्गो होल्ड है फॉरवर्ड का। तो इस तरह मैं कार्गो होल्ड में भी लोडिंग हो सकती है। और ये कार्गो होल्ड का वेंट्स है, तो मैं कार्गो होल्ड में जाऊँगा वहाँ भी दिखाऊँगा। अभी मैं ऑन डेस्क का पहले रीफर राउंड कंप्लीट कर रहा हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं कार्गो होल्ड में जाऊँगा तो उससे थोड़ा फैमिलियर करवाऊँगा। अभी मैंने सारा रीफर राउंड ले लिया है। ऑन डेक में मैंने जितने भी रीफर्स थे, अभी ऑन बोर्ड हमारे 83 रीफर्स है, तो ऑन डेक मैंने जितने भी रीफर्स थे अप्रॉक्स 80 रीफर्स थे, मैंने 80 रीफर्स का राउंड ले लिया है। और अब मैं जा रहा हूँ अंडर डेक्स में। और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ CT एंड CA रीफर्स होते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत उसका बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केयर किया जाता है। तो वो रीफर भी हमारे यहाँ अभी 4 ऑन बोर्ड है, तो वो रीफर्स भी मैं दिखाता हूँ, जिसका कि हम लोगों को हमेशा डेटा एक्सेस करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ USB अडेप्टर टूल एंड नीड टू सेंड द ऑफिस होल डेटा एंड ऑल्सो टेक द रीडिंग of CNCT refer. So now let's go. I am showing you just CNCT refers and how to take the reading I will show you just in short. Okay, let's go for CNCT refers. CNCT refers हमारा बे 50 में loaded है, तो अभी हम लोग बे वाइज आगे जा रहे हैं, आफ्ट की ओर मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड से। तो बे नंबर 50 में मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे मेरा CT refers है और उसको रीडिंग कैसे लेते हैं मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। और विद द हेल्प ऑफ USB अडेप्टर टूल कैसे लेना वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन अभी रीडिंग कैसे एक्सेस करना है वो मैं बताऊंगा आपको। यू सी दिस इज अ CT refer, कंट्रोल टेम्परेचर refer. Need to be special care always and need to data also access morning and evening and send to the office. This is a special refer, CT refer and CA refer is also there, control atmosphere and control temperature. This is a control temperature refer, here 4 refers are control temperature. You see every day we need to access the data and also need to access the data by using the USB card. So first of all I will show you how to access the data supply return and this recorder supply, this USDA 123 temperature. Okay, cold temperature. So first we need here, from here when you click there, return and supply temperature is shown. यहाँ से देख सकते हो कि अभी supply temperature मेरा -0.6 है। यहाँ मैं press करूँगा तो return मेरे को दिखा रहा है, जो return होके आ रहा है -0.4। तो supply या return मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं अगर देखोगे तो मेरे को access करना है ये DC3 to DC5 USDA 123 temperature। तो alt mode में मेरे को जाना है, यहाँ DC आ जाएगा, enter करना है। यहाँ से मैं बैक करूंगा तो वहाँ पे 1, 2, 3 सब कोड वाइज सारे डेटा आ जाएगा। तो मेरे को 3, 4, 5 का चाहिए, DC3 -0.5, DC4 -0.5, DC5 -0.4। तो इसको आपको एक पेज में नोट डाउन कर लेना है सारे डेटा को, DC3 टू 5 एंड सप्लाई रिटर्न रेंज में है कि नहीं, सेट पॉइंट एंड ऑल दिस डेटा यू हैव टू नोट इन अ नोटबुक एंड आफ्टर दैट फिल इन द एक्सेल शीट एंड सेंड टू द ऑफिस। दिस इज अ वन प्रोसीजर ऑफ टेकिंग द डेटा एंड अनदर वन बाय द हेल्प ऑफ USB अडेप्टर टूल। आई विल शो यू हाउ टू टेक द डेटा फ्रॉम द हेल्प ऑफ USB अडेप्टर टूल। सो हेयर यू सी 4 CT refers are loaded on board. This is a bay 50, here 1, here 2, and when I go forward here starboard side, this one is port and this one is starboard. So here also 1 CT refer is there and all are in range working properly. You see here also 1 CT refer is there. So my all on deck refer sound is completed. Now I am going to cargo hold and show you how to take the reading using the USB adapter tool and also give some basic knowledge about the reefer, how the reefer is working and if some problem is there how to troubleshoot. I will just in this video just explain only simple basic thing about the reefer, not in deep. If I am facing some trouble I can also share with you. Now let's go for underground and there I will show you some basic about the reefer. Okay, let's go.
दिस इज द अंडरटेक ऑफ शिप एंड नाउ आई एम गोइंग टू बे नंबर 34 फॉर वन रीफर इज लोडेड देयर एंड दीज आर ऑल द लाइटिंग पैनल्स एंड रीफर पैनल्स. व्हेन यू गो इंटर इन द अंडरटेक ना यू सी सेवरल लाइटिंग पैनल्स आर ऑल्सो इन देयर एंड ऑल्सो ऑल रीफर पैनल्स ब्रेकर्स आर इन साइड द अंडरटेक. सो आई एम गोइंग टू टेक द राउंड ऑफ बे नंबर 34 अंडरटेक एंड ऑल्सो आफ्टर दैट बे नंबर 26. First need to open the door and tie it with properly. Now I'm going to bay number 34. Here you see all RD panels are there. Inside every reefer breaker is connected with this. So हम लोगों को पहले check कर लेना है अगर किसी panel ऊपर में कुछ reefers का problem होता है तो reefers किस panel से connected है. हमारे पहले gang box में हम लोगों को reefer का वो सब कुछ देखना पड़ेगा कि वो किस reefer से connected है और उसके बाद वहाँ पे जो नंबर होगा according to that हम लोगों को यहाँ पे same reefer panel के breaker panel उसमें आना है और वन बाई वन चेक करना है कि कोई ब्रेकर ट्रिप हुआ है कि नहीं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को वर्क करना है. तो ये देखो RD9 RD48 इस तरह करके RD1 तक रीफर पैनल से यहाँ पे सारे और बेस्ड अपॉन दिस ऑल रीफर आर कनेक्टेड ऑन डेक विद द गैंग बॉक्स सप्लाई इज हेयर एवरी रीफर गैंग बॉक्स सप्लाई इज हेयर RD8 RD10 RD6 लाइक दैट. सो here you can also see the some cargo hold fans for all cargo holds. There are cargo hold breakers are there, you just see here जितने भी cargo holds में जितने भी exhaust और supply fans होते हैं वो सारे का breaker यहाँ पे देख सकते हो. यहाँ पे है under decks में तो हम लोग यहाँ से start stop कर सकते हैं. अगर कुछ भी problem हुआ तो यहाँ से पहले mega testing वगैरह सब कुछ करना रहता है. अगर इधर से सब कुछ okay है तो फिर field में जाके हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या problem है कुछ अगर issue होता है तो. ये सब cargo holds के इस तरह करके आप forward तक जाओगे तो सारे reefer panel lighting panels and आपके कार्गो फैंस के सारे ब्रेकर्स आपको इधर ही मिल जाएंगे. और जितने भी सोलेनॉइड न्यूमेटिक सोलेनॉइड्स होते हैं उनका कंट्रोल पैनल बॉक्स और जितने इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल पैनल बॉक्स जनरली कार्गो होल्ड्स में रहते हैं. ये देखो आप सोलेनॉइड का सारे कंट्रोल पैनल बॉक्स है. ये इसके अंदर जितने भी सोलेनॉइड होते हैं न्यूमेटिक्स उसका सारा कंट्रोल पैनल बॉक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑल्सो सब अंडरटेक्स में ही होता है. और कार्गो होल्ड्स में जितने स्मोक डिटेक्टर रहते हैं सब कार्गो होल्ड्स में भी रहते हैं. तो अभी मेरे को जाना है बे नंबर 34 एंड बे नंबर 26. तो लेट्स गो फॉर बे नंबर 34 हेयर. बे नंबर 30 इज देयर. नाउ आई एम गोइंग टू बे नंबर 34 फॉर चेकिंग वन रीफर लोडेड ऑन द बे नंबर 34 अंडरटेक्स कार्गो. सो आई एम गोइंग फॉर बे नंबर 34 हेयर. दिस इज अ बे नंबर 34. आई नीड टू ओपन दिस. आफ्टर दैट it properly. नॉइज थोड़ा ज़्यादा होगा तो इग्नोर करना. यहाँ पे नॉइज थोड़ा ज़्यादा है. ये कार्गो होल्ड्स का अंडरटेक्स होता है जिसके अंदर भी रीफर लोड होते हैं. यहाँ भी आपको रीफर के सारे 440 के गैंग बॉक्स मिलेंगे तो यहाँ भी रीफर लोड होता है. तो मैं दिखा रहा हूँ आपको. यहाँ पे देखो 440 का बॉक्स है. ये 440 का बॉक्स से रीफर कनेक्टेड है. एक रीफर मेरा यहाँ पे है और यू सी दिस रीफर आर इन रेंज एंड इट्स वर्किंग प्रॉपरली. सो एक रीफर मेरा यहाँ कार्गो होल्ड में भी लोडिंग है. तो ये कार्गो होल्ड का लोडिंग है और वो मेरा ऑन डेक का लोडिंग था मैंने आपको दिखाया. तो लोडिंग कैसे होता है, कहाँ पे होता है, कहाँ पे पावर सप्लाई होता है, वो सारे चीज मैंने आपको दिखा दिया. आप जस्ट बेसिक नॉलेज देना है आपको, रीफर से फैमिलियर कराना. ये वीडियो बनाने का बस यही इंटेंशन था आप लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करने का. तो चलो मैं जा रहा हूँ आपको बेसिक नॉलेज से इंटरफेयर करवाने के लिए. तो लेट्स गो फॉर द बेसिक नॉलेज ऑफ रीफर कंटेनर्स.